प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लक्षद्वीप के दौरे पर गए हैं, 2000 औरतों ने 2000 विमेन ने बहुत गर्म जोशी से बहुत अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया गया है। रवायती साड़ियां पहनी गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगाए गए हैं और इनमें से ज्यादा तादाद मुस्लिम औरतों की है। आज लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। मोदी स्नॉर्कलिंग इन लक्षद्वीप। इसमें समंदर के अंदर इकोसिस्टम होता है, उसमें डुबकी लगा करके अंदर का नजारा लिया जाता है और इसे स्नॉर्कलिंग कहते हैं। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। दीज आर नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर हाईटेक इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट, दीज आर गोइंग टू शेप इंडिया और गोइंग टू प्रोपेल इंडिया इन टू द फ्यूचर। छोटा सा है लक्षद्वीप, लेकिन स्वीट है और प्यारा प्यारा सा है। सफाई बहुत है बीच रिसॉर्ट्स पे। और लक्षद्वीप की जो तस्वीरें जारी की हैं पीएम ने, उसके साथ साथ ये भी कहा है कि ये बेहद खूबसूरत इलाका है और लोगों को यहाँ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बेहद आनंददायक अनुभव मिलता है। चाय वाले होके अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अपने कंट्री को आगे से आगे लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, कहते हैं जी हम बहुत क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, हम खिदमत नहीं कर पाए। बांग्लादेश का एक तबका है जो ये कहता है कि भारत का बांग्लादेश में बहुत असर रसूख है। एक तबका ये कहता है कि वाकई भारत जो है वो बांग्लादेश को मजबूत करना चाहता है। क्या आप उसको चाय वाला कहें या कुछ भी कहें, ही इज सिंसियर टूवर्ड्स इंडिया एंड इंडियंस। इस एक शख्स ने इंडिया की पूरी मिडिल क्लास को उठा के रख दिया। दोस्तों, इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी साउथ के काफ़ी सारे स्टेट्स की विजिट कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने तमिलनाडु, केरला और उन्होंने भारत का यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप का भी विजिट किया, जहां उन्होंने लक्षद्वीप के लोगों के साथ एक पब्लिक रैली भी की। और इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप में एडवेंचरस स्पोर्ट्स में स्कूबा डाइविंग की। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के लोगों के साथ अनुरोध किया है कि जो भी लोग दुनिया भर के अलग अलग आइलैंड को देखना चाहते हैं, वे उन्हें एक बार लक्षद्वीप का विजिट जरूर से करना चाहिए, क्योंकि लक्षद्वीप पूरी दुनिया का एक बेहतरीन आइलैंड है जहां पर साफ सफाई, नेचुरल ब्यूटी भी मौजूद है। जैसे कि दोस्तों, हम सब जानते हैं लक्षद्वीप एक छोटा सा आइलैंड है जिसके रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स टूरिज्म है, और प्रधानमंत्री जी की एक अपील से लक्षद्वीप के टूरिज्म में एक बहुत बड़ा बूस्ट आ सकता है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप के लोगों को अपने हाथों से काफ़ी सारी योजनाओं का लाभ भी दिया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखें। ये गुजरात समिट है, उसके बारे में आपसे पूछेंगे कि ये क्या है और किस तरह से इसको किया जा रहा है, और उसके बाद ईरान की बात करेंगे। ईरान में जो है, आप जानते हैं जिस तरह से बताया जा रहा है, 106 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और अटैक किया गया था, तो हम ईरान की भी और उस अटैक की भी बात करेंगे। जी देखिए, ये जो आपका गुजरात या वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है, ये प्रधानमंत्री मोदी का ब्रेन चाइल्ड है। ये उन्होंने शुरू किया था जब उनके ऊपर अटैक होने शुरू किए थे, उनको एक रेडिकल नेता के रूप में प्रूव करने की कोशिश की गई थी। जो भी उनको गुजरना पड़ा जिन चीज़ों से, वो एज अ वोटर हम लोग समझ सकते थे कि वो किस तरीके से गुजर रहे हैं। और मैं उस समय नया नया यंग प्रोफेसर था, उसके बाद भी मैं उस समय खड़ा होता था उनके लिए। मुझे आज भी याद है, मेरी यूनिवर्सिटी में उस समय लोग मुझे पसंद नहीं करते थे बिकॉज मैं उनकी बात करता था, वो भी कलकत्ता में था, तब मैं I was not appreciated at all, but मेरा conviction था कि मोदी जी एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं आपको 2012-13 की बात बता रहा हूँ। खैर, एनीवेज, तो उन्होंने एक अपनी ये गुजरात वाइब्रेंट गुजरात स्कीम चलाई, जिसमें वो दुनिया भर के इन्वेस्टर को इनवाइट करते हैं, और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आकर के वो फिर ये देते हैं कि आप आइए गुजरात में निवेश कीजिए और आपके निवेश को हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि प्रॉफिटेबल वेंचर हो, आपको गवर्नमेंटल जो हैसल्स है उनके थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा। दिस इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फेमस फॉर, कि वो बिजनेस फ्रेंडली है। और गवर्नमेंट का काम भी यही होता है, गवर्नमेंट का काम जबरदस्ती का गवर्नेंस नहीं होता, गवर्नमेंट का काम होता है ये इंश्योर करना कि लोग गवर्न हो, रेगुलेटेड हो, लोगों को जितना फ्रीडम हो सके वो मिले। इसीलिए उनकी जो ये फिलॉसफी ऑफ मिनिमम गवर्नेंस जो है
एंड मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस हैज ऑलवेज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ इंडियन साइक। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इस बार का जो हुआ है आप विश्वास नहीं करेंगी, जो इस बार का प्रोजेक्टेड है जो मीटिंग होगी उसके पहले ही ना गुजरात सरकार का ये डेटा आया है कि 86 बिलियन का ऑलरेडी जो है वो साइन हो चुका है इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। 86 बिलियन, टोटल 58 कंपनियां हैं जिसमें आर्सेलर मित्तल भी एक है, ठीक है ना। और ये सोचिए कि 58 कंपनियों का 86 बिलियन सिर्फ गुजरात में। और ये जो सेक्टर्स हैं जिनमें ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जैसे एनर्जी है, ऑयल है, गैस है, केमिकल्स है, इसमें, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, ये जो आपका जो ये होगा ग्लोबल समिट, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है, ये आपका 10 से 12 जनवरी के बीच में शेड्यूल्ड है, उस दिन होगा। और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इसका इनॉग्रेशन करेंगे क्योंकि उनका ही ब्रेन चाइल्ड था, ठीक है ना। तो और ये बायनियल इवेंट है, यानी कि हर 2 साल में एक बार होता है। दिस इज व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ दिस इवेंट। और मोदी जी को पहचान जो दी है, मोदी जी के डेवलपमेंट की पहचान, ये हमेशा उसका रीजन, वन ऑफ द रीजंस ये रहा है, समझ रही है ना। तो अब आप चाहेंगी तो मैं आपको ब्रेकअप भी दे सकता हूँ क्योंकि कई मीडिया में आया है कि क्या क्या हुआ रहा है। जैसे आर्सेलर मित्तल और निपॉन स्टील जो है उन्होंने 1.14 ट्रिलियन रुपीज, यानी कि विच कम्स आउट टू बी 13.68 बिलियन रुपीज जो है वो वादा किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, जब वो स्टील प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी रहे। उसके साथ साथ आप देखें दूसरे जो सेक्टर है एनटीपीसी यानी कि एनर्जी का सेक्टर है, उसमें 900 बिलियन रुपीस यानी कि 10.8 बिलियन डॉलर जो है वो आया है कि 15 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स बनाए जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, दैट्स अ गुड थिंग, यानी कि इंडिया इज मूविंग फास्ट अवे फ्रॉम फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल था या ट्रेडिशनल फ्यूल था उसके उससे अलग जा रहा है। तो 15 गीगावाट की क्षमता का एनटीपीसी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है एनर्जी कंपनीज का, जो कि 10.8 बिलियन डॉलर जो कि 900 बिलियन रुपए होते हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, वेरियस एनर्जी पार्क बनाए जाएंगे। एनटीपीसी ने एक और इन्वेस्टमेंट को जो 8.4 बिलियन डॉलर यानी 8.4 बिलियन डॉलर का है वो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये दीज आर नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर हाईटेक इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट, दीज आर गोइंग टू शेप इंडिया और गोइंग टू प्रोपेल इंडिया इनटू द फ्यूचर। आप देखिए एनर्जी सेक्टर में वी आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स या जो कन्वेंशनल एनर्जी है या नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज है। उसके बाद आप देख लीजिए जो स्टील प्रोडक्शन है उसमें भी हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं कि भाई आप ग्रीन टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाइए। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके जो बैटरीज होते हैं या दूसरे जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसमें रिसर्च हो रहा है कि भाई आप इसमें भी इन्वेस्ट कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम अपनी डिपेंडेंस ऑन पेट्रोल और डीजल फॉर व्हीकल जो है वो कम से कम कर सके। और अगर आने वाले 10 सालों में हम आधा कर देते हैं तो सोचिए हमारी डिपेंडेंस जो है वेस्ट एशिया पे कितनी कम हो जाएगी और हमारा कितना इंपोर्ट बिल बचेगा, हाउ मच मनी वुड बी एबल टू स्पेंड टू सेव। तो हम इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं और फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम लॉट ऑफ पैसा भी सेव करेंगे। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन कि आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है और आने वाले समय में आप पेट्रोल के ऊपर या जो ऑयल एनर्जी है, गैस एनर्जी है, ऑयल एनर्जी है उसके ऊपर आप काफी कम खर्चा करेंगे।